This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल। अब जो पिवट टेबल आप पढ़ने जा रहे हैं वो तीन चार चीजों के लिए है। सबसे पहले तो आप MIS के लिए जाते हैं तो MIS में आपको पिवट टेबल का अच्छा खासा रोल है। पिवट का अच्छा खासा रोल क्यों है? क्योंकि आपका जो ऑफिस का रिपोर्ट्स होता है वो रिपोर्ट्स होता क्या है, समरी ऑफ द डेटा होता है, और पिवट का काम है समराइज द डेटा, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा, डेटा एनालिटिक्स में आप जाते हैं तो डेटा एनालिटिक्स में भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से हमें इंफॉर्मेशन और समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, अगर आप टैबलू सीखते हैं या पावर बीआई सीखते हैं तो भी आपको पिवट का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पिवट को ही एडवांस करके बनाया गया है। सो पिवट टेबल इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, और हम अपनी इस एडवांस एक्सेल कोर्स की पिवट टेबल से ही स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि पिवट टेबल इज द समरी ऑफ द डेटा एंड रिपोर्ट ऑल्सो समरी ऑफ द डेटा। अगर आप मान लीजिए कि मंथली या ईयरली या किसी प्रोडक्ट वाली रिपोर्ट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, डेटा को किसी न किसी एंगल से समराइज करते हैं। सो समरी जो है, हमारा हर एक रिपोर्ट समरी ही होता है, उसका बेस कहें तो समरी होता है, उसके बाद बहुत सारी कैलकुलेशन करते हुए वो अलग चीज है, बट बेस समरी ही होता है। सो हम आज अपने इस कोर्स में समरी पिवट टेबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिवट टेबल किसके लिए? MIS के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए, और टैबलू के लिए, एंड पावर बीआई के लिए। सबसे पहले हमें डेटा को समझना होगा। क्यों? क्योंकि हम जब तक उसको डेटा को समझेंगे नहीं, उसको एनालिटिक उस पे एनालिसिस करके उसमें समरी बन के आके रिपोर्ट क्या निकालेंगे। सो डेटा को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप पिवट टेबल सीख रहे हो पावर बीआई, टैबलू और बाकी प्रोफाइल्स के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला डेटा है, एक सेल्स का डेटा है, लेकिन ये सेल्स है आउटबाउंड कॉल्स की सेल्स है। एक टेलीकॉलर फोन करके एक कोई भी एक प्रोडक्ट को बेचता है। तो ये टीम है, ये टीम के मेंबर्स हैं, ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यहाँ मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया, मैंने प्रोडक्ट नंबर्स दे दिए हैं। सेल डेट ये हुआ, कौन सा रीजन में सेल किया गया है, बेसिकली ये यूनाइटेड स्टेट का रीजन है, इंडिया का रीजन नहीं है इसलिए, क्योंकि इजिली अवेलेबल था इंटरनेट पे, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद कितने घंटे की लॉगिन हुई, कितने घंटे वो बातचीत किया, कितने देर कॉल को होल्ड पे रखा, और कितनी क्वांटिटी सेल किया, और क्वांटिटी पर आवर कितनी सेल हुई, मतलब कि 7 घंटों में उसने अगर 22 सेल किया तो 1 घंटे में 3.14 सेल किया। रेवेन्यू कितना जनरेट किया और रेवेन्यू पर आवर जनरेट, और इस 22 कॉल्स के लिए, 22 सेल्स के लिए उसने 358 कॉल्स को सेल किया। और उसकी जो ऑडिट हुई तो ऑडिट में आपका 24 एक्सेलेंट कॉल निकला, 40 गुड निकला, 32 फेयर निकला, और आपका बाकी जो यहाँ पे 15 पुअर निकला, और टोटल 111 कॉल्स उसकी ऑडिट की गई थी। और कस्टमर ने इसको 0.58 का रेशियो दिया है, और इसमें इसके कस्टमर जो है 60% पॉजिटिव है, 64 पॉजिटिव एंड 47 निगेटिव है, जो हमारा ये जो ऑडिट हुआ है 111 कॉल उसमें से। तो ये टोटल सेल्स रिपोर्ट भी है और साथ में हमारा ऑडिट रिपोर्ट भी है। अब इसको एनालिसिस करना है पिवट टेबल के जरिए। तो दो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि आखिर हम इस डेटा से निकालना क्या चाहते हैं। तो धवल जी एंड सौरभ जी, आपको समझ में आ गया डेटा क्या है? जी सर। धवल जी, आपको समझ में आया? जी। धवल जी, आप अनम्यूट करें तो मैं सुन पाऊंगा आपको। नहीं धवल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लग रहा आपके माइक में प्रॉब्लम। अब मुझे इसमें निकालना क्या है? तो बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि रीजन वाइज कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ।
अब ये तो हमने मान लिया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रीजन वाई, मुझे चाहिए प्रोडक्ट वाइज नंबर ऑफ सेल्स। क्यों चाहिए? ताकि हम उस रीजन के नियरेस्ट स्टॉक, जो हमारा स्टॉकिंग पॉइंट है, उसकी स्टॉक वो हम मेंटेन कर सके। इसलिए तो इसको हम पिवट से निकालेंगे। तो पिवट लगाने से पहले एक चीज और देखिए कि आपका कोई भी डेटा ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर आपका डेटा के अंदर पूरा का पूरा रो ब्लैंक है तो आपको ऐसा नहीं कि पिवट नहीं लगेगा, ऐसे पिवट लगेगा, बट आपको डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बिना डेटा सिलेक्ट किए हुए आप पिवट नहीं लगा सकते। तो अगर कोई भी रो ब्लैंक नहीं है तो आपको पिवट लगाने की सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पिवट लगा सकते हैं। अब इंसर्ट मेनू बार में आते हैं और सबसे पहला ऑप्शन पिवट टेबल है। पिवट टेबल से पहले यहाँ पे एक रिकमेंडेड पिवट टेबल आपको दिख रहा है। ये क्या है कि आपको डेटा को एनालाइज करता है और एनालाइज करके वो यहाँ पे कुछ पिवट देता है। कितने रेवेन्यू हुए हैं ऐसे यहां पर, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं अपने हिसाब से लगाना है, सो सिलेक्ट द फर्स्ट डेटा एंड पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए। ध्यान रखिएगा पिवट टेबल लगाने से पहले आपका कोई हेडिंग भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिवट टेबल हेडिंग से ही चलता है। ओके कीजिए, ऑटोमेटिक एक नई सीट ऐड होगा आपको यहाँ पे, और ये आपका पिवट एरिया है और ये आपके फील्ड्स है। इन फील्ड्स को उठा के इन चारों में रखना है सिंपल। तो मुझे चाहिए प्रोडक्ट वाइज, रीजन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, टोटल सेल्स। तो हमने यहाँ पे रीजन को यहाँ रखा, प्रोडक्ट को हमने यहाँ कॉलम में रखा, और यहाँ हमने सेल्स को यहाँ रखा। सेल्स तक क्वांटिटी, अगर रेवेन्यू चाहिए तो हम रेवेन्यू भी रख सकते हैं। ये हमारा डेटा है। अब ये रिपोर्ट हम किसी को ऐसे उठा के मेल नहीं कर देंगे, तो पिवट टेबल से रिपोर्ट को रिपोर्ट के ढंग से बनाने के लिए उसको फॉर्मेट करना होता है। सबसे पहले यहाँ का रो लेवल है, इसको आप दे दीजिए नाम, इसको चेंज कर सकते हैं कि इसका नाम रीजन होना चाहिए। तो सिंपली जैसे आप नॉर्मल सेल चेंज करते हैं, इसको चेंज कर दीजिए, और ये प्रोडक्ट है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट दे दीजिए। प्रोडक्ट और यहाँ पे आपके टोटल लोग हैं। उसके बाद बात आती है फॉर्मेटिंग की। आप यहाँ से जैसे नॉर्मल डेटा को फॉर्मेट करते हैं, ऐसे आप अपने टेबल को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप नॉर्मल फॉर्मेटिंग करते हैं तो जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपका पिवट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो आपका फॉर्मेटिंग इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि पिवट और फॉर्मेटिंग में कोई लिंक नहीं होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, जैसे मैं फॉर्मेटिंग करूं, जैसे मैं बॉर्डर लगाया तो डेटा करके जैसे बढ़े तो बॉर्डर ही मेरा ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए, तो उस केस में आप यहाँ पिवट पे क्लिक करके ऊपर डिजाइन में जाना होगा। अब इस डिजाइन में आप आएंगे तो यहाँ पे पिवट टेबल के बहुत सारे दिखेगा आपके फॉर्मेट्स दिखेंगे यहाँ पे। जो फॉर्मेट आपके रिक्वायरमेंट को फिल करता है उस फॉर्मेट को लीजिए एंड अप्लाई कर। दूसरा, हमने फॉर्मेट तो अप्लाई कर दिया, अब इसको ऐसे नहीं, मैंने इसमें थोड़ा सा इसके विजुलाइजेशन भी देना चाहते हैं, इसकी चार्ट वगैरह, तो आप इंसर्ट में भी चार्ट लगा सकते हैं या फिर एनालिसिस में। यहाँ आपका पिवट चार्ट होता है, दोनों एक ही होते हैं, आपके पिवट से कनेक्टेड हो जाता है। जो चार्ट आपको चाहिए उस चार्ट को आप सिलेक्ट कर लें एंड ओके करें, आपका चार्ट यहाँ लग जाएगा और चार्ट आपका पिवट से कनेक्टेड होगा। अब इसमें हम यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ दिख रहा है, यहाँ रीजन दिख रहा है, सम ऑफ द सेल दिख रहा है, इसको भी आप यहाँ से अनहाइड कर सकते हो। अनहाइड ऑल बटन ऑन द चार्ट कर, ये आपका अनहाइड हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये हो गया। अब चार्ट के भी अपने डिजाइन है जो कि आप यहाँ से चूज कर सकते। कोई डाउट सर आप लोगों को? ये तो बेसिक चीजें थी। अब चलिए पिवट टेबल के अंदर में थोड़ा सा घूमते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे पिवट लगाया और इसमें एक चीज देखिए, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऊपर हमने दिया, देखिए कॉलम में दिया। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कॉलम में प्रोडक्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे या फिर कोई भी फील्ड को कॉलम में रखा, आपका जो डेटा है अगर वो डेटा कम है, जैसे कि 2, 3, 4 है तो ठीक है, अगर डेटा ज्यादा हुआ तो दिक्कत होगा। जैसे प्रोडक्ट को हटा के मैं सेल्स पर्सन देता हूँ, टीम मेंबर, ये काफी ज्यादा हो गए। अब इसको नेविगेट करने में दिक्कत हो रहा है ना, तो उस केस में क्या करेंगे? जो हमारे पास ज्यादा होगा उसको तो दिखाना है हमें, तो उस केस में आप कॉलम में नॉट डाल के उसको हेडिंग, यहाँ रो में सब हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, इसके नीचे डाल इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए प्लस साइन का बटन है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ एनालाइज में आप आते हैं कि यहाँ पे आपको कोलैप्स एंड एक्सपेंड दिखता है। कोलैप्स कीजिए सारा कोलैप्स हो जाएगा, एक्सपेंड कीजिए सारा एक्सपेंड हो जाएगा। ये आपके पास समरी ऑफ द समरी हो जाता है, समरी ऑफ द समरी हो जाता है कि आपने रिपोर्ट भेज दिया। तो जैसे फ्लोरिडा का, अगर किसी को फ्लोरिडा स्टेट का अगर की मेंबर चाहिए तो क्लिक करेगा इस पे और देख लेगा, तो इसको इजीली वो देख सकता है। लेकिन ऐसा तभी कर पाएगा तो किसी को पिवट टेबल की रिपोर्ट पिवट एज ए पिवट टेबल भेजना हो। अब मैं वापस आता हूँ लाइन में, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से। अभी क्या है कि अगर मुझे रिपोर्ट इस तरह से कहीं से इसको कॉपी पेस्ट करके भेजना है, जैसे मैं जो कॉपी कर लिया और किसी सेल पे इसको वैल्यू पेस्ट करूंगा, वैल्यू पेस्ट करके भेजूंगा। अब यहाँ पे देखिए रीजन एंड टीम मेंबर का कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है, क्यों? रीजन है इस कारण से। तो मैं चाहता हूं कि अलग अलग कॉलम में हो, कि पहले कॉलम में रीजन, उसके अगले कॉलम में टीम मेंबर और उसके अगले कॉलम में हमारा जो सेल्स है या बाकी जो हमारे फिगर्स है वो आने चाहिए। इसके 2-3 है ऑप्शन। पहला कि आप डिजाइन में जाएं, पिवट टेबल लेआउट में शो टेबुलर फॉर्म को सिलेक्ट कर लें यहां से, या राइट क्लिक करें और यहाँ पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएं, डिस्प्ले पे जाएं और यहाँ क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट है उसको सेलेक्ट कर लें तो भी हो जाएगा। और यहाँ पे चीज है कि आप देख रहे हैं टोटल, हर जैसे हर रीजन खत्म होता है उसका टोटल दिख रहा है। ये आपको नहीं चाहिए या हट गया है तो चाहिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ सब टोटल रीजन टिक मार्क लगा है इसका मतलब कि शो करेगा, टिक मार्क नहीं लगा है इसका मतलब कि वो शो नहीं करेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहां से हटा देता हूं। ओके, अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि तो अगर इसको मैं यहां से कॉपी पेस्ट करता हूं, अगर कॉपी किया और यहां से मैंने इसको पेस्ट किया तो इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें फिल्टर वगैरह हम नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम फिल्टर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि मान लीजिए कैलिफोर्निया, मान लीजिए हमने ले लिया कैलिफोर्निया में किया, कैलिफोर्निया के एक ही दिख रहा है, क्यों? क्योंकि बाकी यहाँ नीचे है नहीं। अगर इन नीचे में पूरा अगर ड्रैग रहता तो फिल्टर में आता। तो मैं चाहता हूँ पिवट में मेरा जो आइटम है वो रिपीट हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम यहां एनालाइज में डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन में जाने के बाद हम यहाँ शो रिपोर्ट इन द टेबल फॉर्म के नीचे आएंगे तो रिपीट ऑल आइटम लेबल होता है, इसको रिपीट कर दीजिए आपका रिपीट हो जाएगा। कभी कभी एक और होता है कि मुझे इन दोनों के बीच में गैप चाहिए, मतलब कि एक आइटम खत्म हुआ तो नेक्स्ट आइटम के बीच में गैप चाहिए,
तो उसके लिए ब्लैंक रो पे जाइए, इंसर्ट ब्लैंक रो, तो आपको हर एक सीजन के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से चीजें आप कर सकते हैं। तो सौरभ जी एंड धवल बागरी जी, कोई डाउट आपको? नहीं, डाउट नहीं सर, लेकिन एक क्वेरी है मेरी। सर हाँ पूछिए। हाँ जैसे इसमें कॉलम है ना टोटल वाला, हम इसमें जो दिखाना चाहते हैं कि शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल या परसेंटेज ऑफ रो, हाँ मैं बताता तो हूँ ये चीजें, और मेरे सब कीजिए आगे आने वाला है। अच्छा ठीक है। ठीक, अच्छा सर एक क्वेरी, कुछ बोले? हेलो, क्या बोल रहे सर? ऊपर सर जैसे ये हेडिंग लिखा है ना सम ऑफ सेल्स, हाँ इसको भी हम एडिट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं आप एडिट, हर चीज में कर सकते हैं सिवाय इस फिगर के। सर मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन जो सबसे टॉप पे जो हेडिंग होता है उसमें एडिट नहीं हो पा रहा है। नहीं देखिए एडिट हो जाता है। अभी क्या बोल रहा है? पिवट टेबल फील्ड नेम इज कॉन्टेस्ट, क्योंकि सेल्स नाम कॉल लेटर फील्ड उसके पास है ही, तो आप इसमें एक स्पेस दे दीजिए। ठीक है, अच्छा एक नाम के दो ठीक फील्ड हो जाते हैं, इस कारण से दिक्कत देता है। तो स्पेस दे दीजिए, कॉमा दीजिए, डैश दे दीजिए, नाम चेंज कर दीजिए। आए हाँ ठीक है सर, वही मैसेज आता है बार बार। ठीक है थैंक यू, ठीक सर, बड़े थैंक यू जी। नहीं, ब्लैंक आप एक ही सेल ले सकते हैं, मल्टीपल नहीं ले सकते। ढोल बाबू जी का क्वेश्चन था। अब मुझे इसको रिमूव करना है, तो मैं यहां से रिमूव ब्लैंक आफ्टर इच आइटम कर दिया, दिया, और मैं इसको नॉट रिपीट कर देता हूं यहां से, और मैं यहां से टीम मेंबर को हटाता हूं और प्रोडक्ट को रखता हूं। तो मैं चाहता हूं कि मेरा मर्ज हो जाए, रिप्रेजेंट दिखा ना आपको, ये मर्ज हो जाना चाहता हूं। तो राइट क्लिक करके हम कई हम डायरेक्ट मर्ज नहीं कर सकते, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर विथ लेबल, कि आपके मर्ज हो जाएगा। अब दूसरा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि फ्लोरिडा में यहाँ प्रोडक्ट 2105 सेल किया गया है, मैं जानना चाहता हूँ, इसका डेटा देखना चाहता हूँ। इसका डेटा देखने के लिए आपको डेटा में जाके फिल्टर लगाना पड़ेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसी पे डबल क्लिक कर दीजिए, तो आपका एक डेटा एक अलग सीट पे कॉपी होके पेस्ट हो जाएगा, जहां पे आप देख सकते हैं कि आपका सेल कितना है, जस्ट डबल क्लिक करना है। क्योंकि डबल क्लिक किस पे करेंगे? ऐसा नहीं कि आप क्लोरीडा पे डबल क्लिक कर दे, प्रोडक्ट पे डबल क्लिक कर दे, तो ऐसा नहीं। जो आपके फिगर्स हैं, जो टोटल्स है, जो वैल्यू फील्ड में रखा हुआ है, उस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका टोटल रीजनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब एक दिक्कत और ये है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हूं कि उनको डबल क्लिक करने की आदत होती है, कहीं पे डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक कर दिया। तो पिवट पे भी और डबल क्लिक करेंगे तो हर बार उनको नया सीट ऐड होते दिख जाएगा, जो कि उनके लिए प्रॉब्लम है। तो उस केस में हम पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ डेटा में जाएंगे, अनेबल शो डिटेल्स को यहाँ से अनचेक कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि अब इसमें कोई भी डबल क्लिक करेगा तो उसको उसका टोटल डेटा नहीं दिखेगा। ओके सर, आप पिवट टेबल ऑप्शन में और भी चीजें हैं, जैसे कि पिवट टेबल ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ आपका टोटल फिल्टर्स में इसको हटा सकते हैं। दूसरी चीज, हम अगर मान लीजिए कि अपने हिसाब से इसको ऑटो फिट कर देते हैं कि भाई साइज कम हो जाए, इसका बढ़ जाए, तो रो की हेडिंग वगैरह ठीक कर देते हैं, लेकिन जैसे हम रिफ्रेश करते हैं वापस जैसा था वैसा हो जाता है। जैसे मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया ना, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा वापस अपने जगह पर आ जाएगा। तो ये प्रिंट सेटअप में काफी दिक्कत देता है। अब क्वेश्चन ये आती है कि हम रिप्लेस क्यों करेंगे? देखिए, डेटा के अंदर आप कोई भी डेटा चेंज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 700 की जगह पे आपने 800 कर दिया, तो
पिवट टेबल में तभी इफेक्ट करेगी जब आप इसके ऊपर रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करते ही आपकी जो है कॉलम बिल्ड ऑटो फिट हो जाती है और आपकी जो फॉर्मेटिंग प्रिजर्व हो जाती है। जैसे पिवट टेबल ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ दिखा हुआ है ऑटो फिट कॉलम बिल्ड अपडेट एंड प्रिजर्व फॉर्मेटिंग फॉर अपडेट, ये हो जाता है। अब एक चीज और है, मैं प्रोडक्ट यहां से हटाता हूं और मैं यहां पे टीम को रखता हूं, टीम मेंबर रखता हूं। जैसे टीम मेंबर रखा तो बहुत सारे जगहों पे ब्लैंक दिख रहा है। अब मुझे इस ब्लैंक की जगह पे खाया तो टेक्स्ट चाहिए एन वगैरह या फिर जीरो चाहिए, तो वो चीज भी हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ इम्पैक्टिंग सेल वैल्यू शो, तो यहाँ पे हम जीरो या कोई भी टेक्स्ट वगैरह यहाँ डाल सकते हैं। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे दिख जाएगा। ये तो थी हमारी पिवट की पहली बात। अब हम पिवट की दूसरी बात के बारे में बात करेंगे। तो कोई डाउट वगैरह है आप लोगों को? हेलो, कोई डाउट है? नहीं सर। तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इस ट्रेनिंग को जो कि पिवट टेबल है, और पिवट टेबल हम सीख रहे हैं MIS के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, पावर बीआई एंड टैबलू के लिए, जो कि जिसका टाइटल है डेटा समराइजेशन विद पिवट टेबल। तो जैसे कि हमने आपको बताया पिवट टेबल जब भी हम लगाते हैं यहाँ से इंसर्ट किए पिवट टेबल में क्लिक किए हम ओके कर देते हैं, ओके करते समय नई सीट जनरेट करता है। लेकिन मैंने अभी सीट 4 अपने हिसाब से बना रखी है, सीट 4 पे ही पिवट चाहिए। यहाँ एडिशनल वर्कशीट पे जाऊंगा और जहां पिवट चाहिए वहां का लोकेशन दे दूंगा, ओके करूंगा तो मेरा पिवट वहीं पे जनरेट होगा। अब पिवट पे हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले सॉर्टिंग, फिल्टर, मूविंग, ग्रुपिंग इनके बारे में। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे टीम मेंबर और हमने यहाँ पे सेल्स ले लिया, मुझे सॉर्ट करना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दूंगा तो मेरा सॉर्ट हो जाएगा। और सेम नाम है हमारे तो नाम को भी सॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए हम कर सकते हैं यहाँ से। अगर मान लीजिए शॉर्ट आपका अगर ए है, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, तो टीम को मैंने यहाँ पर रख दिया, अब मुझे टीम की शॉर्टिंग करनी उसके हिसाब से तो मैं इसका राइट क्लिक किया और मैं यहाँ से शॉर्ट जेड टू ए या ए टू जेड हम यहाँ से कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन प्रॉब्लम हुआ कि मैं चाहता हूँ कि नहीं नहीं जो जिस तरह का सिक्वेंस हमारा ओरिजिनल डेटा था उसी तरह से यहाँ पे आना चाहिए, तो राइट क्लिक करके शॉर्ट पे हम जाएंगे मोर ऑप्शंस। यहाँ शॉर्ट ऑटोमेटिकली एवरी टाइम जो अब तरीके अपडेट यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने मैनुअल यू कैन ड्रैग कर दी तो ड्रैग ड्रॉप हो गया शॉर्ट बाय टीम, और यहाँ पे जैसे ओके करूंगा जो टीम था उसके हिसाब से रिजर्व हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और आती है कि शॉर्ट हमने शॉर्ट देखा, हमने वर्टिकल भी कर लिया और हॉरिजॉन्टल भी कर लिया, लेकिन मुझे जैसे कि बताया गया कि शॉर्ट अपने हिसाब से करना है तो राइट क्लिक किया और हम शॉर्ट पे गए। शॉर्ट पे जाने के बाद मोर ऑप्शंस में यहाँ मैनुअल हमने इस पर क्लिक करके ओके किया। अब मैं इसको अपने हिसाब से रख सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि टीम ए जो है सबसे पहले आना चाहिए तो हम यहाँ पे टीम ए पे गए, इस पे क्लिक किए और यहाँ हमने रख दिया उठा के ए पे आना चाहिए, और यहां से मैं उठाया और इसको यहाँ रख दिया। ये
इस तरह से इसको उठा के हम कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से जो जहां मूव करना चाहो उस उसको मूव कर सकते हैं इस तरह से पोजीशन के हिसाब से। या फिर अगर मैं इसको यहां रखूं, अब मूविंग की बात कर लें, तो मूव का ये मूव ही हुआ हमारे पास। अगर मूव करना है, मान लीजिए मुझे टीम को सबसे टॉप पे भेजना है, एक तो तरीका है कि हम इसको यहां से उठाएं और इसके ऊपर टॉप पे रखते हैं, या फिर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ हम मूव पे जाते हैं, यहाँ पे एज बिगिनिंग आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हो, और उस तरह से कॉलम को भी एंड रो को भी इसी तरह से आप अपने डेटा को मूव कर सकते हो। मूव के बाद हम बात करते हैं फिल्टर की। जैसे मान लीजिए कि मुझे इसको फिल्टर करना है, मैंने यहाँ पे इसको रखा और मैं टीम मेंबर को यहाँ रखता हूँ, मुझे इस पे फिल्टर करना है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके आपको जिस को फिल्टर करना है उसको सिलेक्ट करके ओके करें, आपका फिल्टर भी उसी हिसाब से होगा। या फिर फिल्टर के अंदर यहाँ लेबल कंडीशन है कि भाई इक्वल डज नॉट इक्वल, बिगिन विद, नॉट बिगिन विद, ऐसे फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ जिसकी सेल ग्रेटर देन 20 है वो आना चाहिए, तो मैं यहाँ वैल्यू फिल्टर पे गया और यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 20 करके ओके कर दिया, तो जो 20 से ऊपर वाले हैं देखिए वही आया है, 20 से नीचे वाला कोई इसमें आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने इसकी फिल्ट्रेशन कर दी हुई है। उसी तरह से मैं चाहता हूँ जिसका नाम जेड से स्टार्ट है वो दिखे, तो यहाँ पे मैंने लेबल फिल्टर में यहाँ पे आया और हमने इसको कंटेन पे बोला कि जिसका नाम जेड है वो यहाँ पे दिखे, तो जेड वाले आए। इस तरह से हम फिल्टर हमने अपने कॉलम में फिल्टर लगा सकते हैं। एक बार फिल्टर से बात कर लेते हैं, ये तो आपका कलर फिल्टर भी है इसमें। अगर आपने यहाँ पे फिल्टर में कहीं पे कलर दे रखा है, आप चाहते हैं कि कलर वाला जो मेरा डेटा है वो हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ फिल्टर बाय नहीं, माफ कीजिएगा, पिवट टेबल में फिल्टर बाय कलर नहीं होता है, वो नॉर्मल फिल्टर में होता है। तो यहाँ पे फिल्टर में एक आपका लेवल फिल्टर, लेवल फिल्टर जो कि आपके इस कॉलम को अकॉर्डिंग चलेगा, एंड वैल्यू फिल्टर जो इसकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब लेवल फिल्टर की बात करते हैं, तो इक्वल एक पर्टिकुलर नाम को आप फिल्टर करना चाहते हैं, डज नॉट इक्वल उस नाम के अलावा जो भी है उसको आप फिल्टर करना चाहते हैं। बिगेन विद किसी का नाम स्टार्ट, जैसे बोलते हैं नाम जिसका स्टार्ट डब्ल्यू से है वो आ जाए, तो W वाले के नाम जिसका नाम W से स्टार्ट है वो यहाँ आपका फिल्टर होके आ गया। उसी वजह से आपका does not begin with, end with, contain, does not contain, greater than, less than, एक चीज आप देख रहे हैं। ऐसे आपका value फिल्टर में आया तो value फिल्टर में आपका greater than, less than, less than, equal to, between, not equal to और top 10 या top 5, top 20 आप यहाँ लिख सकते हैं, वो टॉप पर आपका उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फिल्टर लग जाएगा। और सेम ये तो हमारा ये जो फिल्टर यहाँ पे देख रहे हैं, ये फिल्टर हमारे कॉलम का था, जैसे रो का था, ये फिल्टर हमारा कॉलम का है। जैसे मान लीजिए कि मुझे फिल्टर करना है किसी एक टीम को, तो यहाँ पे टीम के नंबर दिख रहे हैं, जिस टीम को लेना है उस टीम के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका डेटा उसी टीम का दिखेगा, या उस टीम की वैल्यू के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं फिल्टर तो टीम उसी हिसाब से फिर आपके हाईलाइट होगी। तो यहाँ से हम कॉलम फिल्टर ले सकते हैं। कॉलम फिल्टर के बाद आता है पेज फिल्टर। पेज फिल्टर जैसे कि मैं रीजन को, मैं रिपोर्ट दिख रहा है आपको ओवरऑल है, लेकिन मुझे एक दो रीजन चाहिए, तो मैं इस रीजन को यहाँ रखता हूँ और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि कोलोराडो हमने सिलेक्ट कर लिया तो पूरा डेटा कोलोराडो का ही आएगा। अगर इसमें एक और फिल्टर चाहिए, इसे लॉग इन आवर चाहिए, तो आप लॉग इन आवर रख दें, यहाँ से वो लॉग इन आवर को ही दिखेगा। तो फिल्टर समझ में आ गया आप लोगों को? धवल जी फिल्टर को डाउट नहीं सर? ठीक है, आगे बताइए, अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने शॉर्टिंग, मूविंग, फिल्टर तीन चीजें की, चौथा आता है ग्रुपिंग का।
चलिए हम ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ से ये सारे हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे टीम रखता हूँ। यहाँ पे अभी क्या है कि हमारा टीम एच और टीम ए दोनों एक ही टीम है, एक ही बंदा लीड करता है। यहाँ पे हमें टीम ए एच ए एंड एच मुझे फोटो एक जगह दिखना चाहिए क्योंकि इसका जो सेल्स ऑफिसर है या फिर सेल्स मैनेजर या फिर एचओ डी है वो एक ही है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एच पे क्लिक करेंगे और एच के अलावा और भी है उस पर कंट्रोल के साथ हम क्लिक करेंगे। फिर धवल जी आपके माइक में प्रॉब्लम है तो आप गोटू मीटिंग ऐप से जो है मोबाइल से भी ज्वाइन कर लीजिए, जैसे कि सौरभ जी ने ज्वाइन किया हुआ है तो मोबाइल से आप बातचीत कीजिए और सिस्टम से आप स्क्रीन देखिए, सेम गोटू मीटिंग प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और मीटिंग आईडी आपसे पूछेगा तो जो लिंक मैंने आपको भेजा था उसके तो लास्ट के नंबर थे वो आपकी मीटिंग आईडी थी वो डाल दीजिए और आप उससे ज्वाइन कर लीजिए और मोबाइल डिवाइस ऑडियो सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम दोनों को सिलेक्ट किए, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम ग्रुप पे क्लिक, ग्रुप वन करके आए। सर तो पानी पी रहा था। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि टीम ग्रुप हो गया, अब यहाँ पे देखिए टीम टू और टीम आ गया तो टीम को मैं यहां से हटा देता हूं। तो यहाँ पे ग्रुप वन तो मैं यहाँ पे इसको जैसे बताया कि हम कर सकते हैं कि टीम ए एंड एच इस तरह से नाम दे सकते हैं। तो टेक्स्ट को इस तरह से आप ग्रुप कर दोगे तो इस तरह से आपका ग्रुप हो जाता है। तो क्या हम टेक्स्ट को ही ग्रुप कर सकते हैं? जी नहीं, आप नंबर को भी ग्रुप कर सकते हैं। तो मुझे ये देखना है, जैसे यहाँ पे आपके सामने कॉल्स लिए गए, कॉल्स तो ये मेरे पास कॉल्स और सेल्स है। तो बेसिकली क्या है कि हम एक ये सेट करना चाहते हैं, हम सेट करना चाहते हैं एक क्योंकि बहुत बच्चे कॉल्स काफी कर रहे हैं तो हमें देखना चाहते हैं कि कितने कॉल्स के बीच में कितने कॉल्स पे कितने सेल होते हैं। तो आप 250, 300, 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
400, 400 से 500, मतलब या 300 से 350 कॉल्स का ग्रुप या 100 कॉल्स का ग्रुप चाहिए, ताकि हम एक टारगेट सेट कर सके कि हमारी एक एजेंट इतना कॉल्स करके लगभग इतना सेल कर लेती। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं राइट क्लिक, और अब मैं जाता हूं यहां पे ग्रुप पे। तो इस ग्रुप का स्टार्टिंग आप देख रहे हैं कि 250 है और एंडिंग आपका 500 है, तो इसकी आप चेंज भी कर सकते हैं। और ग्रुप बाय 10 है तो मैं 10 को 100 कर देता हूं, या 50 करना है, 20 करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ओके करेंगे ये आपका ग्रुप आ गया कि 250 से लेकर 350 तक जो है 1180 कॉल्स किए गए। 250 से 350 के बीच में हमारे पास 1180 सेल्स हुए क्वांटिटी, 350 से 450 तक 1400, 550 से 1600 मात्र 153 हुआ है। मतलब ये जो ज्यादा कॉल्स कर रहे हैं वो उनकी प्रोडक्टिविटी खराब है, इससे यहाँ मुझे इंफॉर्मेशन पता चल रहा है। मतलब ज्यादा कॉल्स कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो
सक्सेस नहीं, इसका मतलब नहीं कि ज्यादा कॉल्स करने पे ज्यादा सेल्स आएंगे, यहाँ पे ज्यादा कॉल्स का सेल्स कम है। जो कॉल्स पे ध्यान दे रहे हैं ना कि सेल्स पे ध्यान दे रहे हैं। तो एवरेज हमारा सबसे अच्छा ये रहेगा कि 350 से लेकर 450 तक कॉल करने वाले बच्चे का अच्छा सेल्स हो रहा है, तो इसी इंफॉर्मेशन में पता चला। तो हमने आपको ग्रुप में नंबर ग्रुप करना सिखाया, टेक्स्ट ग्रुप करना सिखाया, और हमने सिखाया आपको ग्रुप करना डेट। अब डेट अभी सिखाने जा रहा हूं। तो जैसे कि अगर मैं कॉल यहां से हटा देता हूं, अब बात करते हैं डेट के ऊपर। जैसे सेल्स डेट यहां रखता हूं तो बेसिकली क्या है कि एक कम डेट है, मैं डेटा वाला चेंज करता हूं, मैं डेट बढ़ा देता हूं। डेटा चेंज किया, पर पिवट अपडेट कब होगा, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश किया तो पिवट इस तरह से अपडेट हुआ, लेकिन मुझे चाहिए मंथली सेल कि किस मंथ में कितना सेल हुआ है, तो मुझे मंथली सेल चाहिए। तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और ग्रुप पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे मंथ को सेलेक्ट करूंगा, तो मेरे पास मंथली सेल आ जाएगा। मुझे क्वार्टरली, मंथली और क्वार्टरली दोनों चाहिए, तो मंथ एंड क्वार्टर दोनों सेलेक्ट कर लूंगा। मुझे मंथ क्वार्टर ईयर भी चाहिए, तो ग्रुप में मंथ क्वार्टर ईयर भी सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपका ईयर भी आ जाएगा। या फिर मुझे डे बाइज चाहिए, लेकिन मुझे 15 दिन का सेल चाहिए, हाफ मंथ का सेल चाहिए, 15 15 दिन का सेल चाहिए, तो डेज में क्लिक करूंगा और यहाँ पे 15 डेज में डालूंगा, ओके करूंगा, मेरे पास 15 डेज का सेल्स ग्रुप होके यहाँ पे आ जाएगा। या मुझे 7 दिन का, 1 महीने का डेटा है तो आप 7 दिन का सेल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, ये रहा, एक ही महीने का डेटा आएगा हमारे पास। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब मुझे वीक बाई सेल चाहिए, वीक वन वीक टू वीक थ्री, तो वीक बाई सेल चाहिए। तो मैंने राइट क्लिक किया और ग्रुप पे चला गया और मैं यहाँ पे 7 दिन डाल देता हूँ, 7 दिन का ग्रुप है, और मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कि वीक वन वीक टू, ये हमारा वीकली रिपोर्ट बन जाए। ठीक है, तो सौरभ जी, धवल जी, कोई डाउट इसमें? तो नहीं सर, ठीक, क्लियर। हमने पिवट का दूसरा पार्ट भी कर लिया। अगर आप डेली बेसिस की क्लास में होते हैं तो इतनी चीज मैं 2 दिन में सिखाता आपको। अब अगला टॉपिक आता है कैलकुलेशन, जो कि विकास जी आपने मुझसे पूछा था। चलिए, तो पिवट का हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पिवट के अंदर ही डेटा को कैलकुलेट कर सके। और हम जो पिवट टेबल सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं एमआईएस के लिए, सीख रहे हैं डेटा एनालिसिस के लिए, पावर पिवट के लिए, सॉरी पावर बीआई एंड टैबलू के लिए। तो हम यहाँ पे एक और अपने डीसी डेटा पे पिवट लगाते हैं, और पिवट में हम यहाँ पे वर्कशीट में हम सीट 5 पे चले जाते हैं, डेटा हमने ऐड कर। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि टीम को यहाँ रखा और टीम का हम यहाँ पे सेल रखा। अब मुझे टोटल सेल्स किए गए हैं 2740, मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो सर जी, कंट्रीब्यूशन क्या होता है पता है आपको? कि टोटल सेल्स में कितना कंट्रीब्यूशन किया गया है, तो एस कंट्रीब्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि मान लीजिए, एक होता है इंसेंटिव वगैरह होता है, तो इंसेंटिव वगैरह देना है। मान लीजिए मैं इसे एक काम करता हूँ, टीम हटा देता हूँ, मैं टीम हटाने के बाद मैं अपने सेल्स पर्सन दे देता हूँ टीम। तो 3 मेंबर हमारे पास है, तो हमारे कंपनी ने बोला कि भाई मैं टीम को, तुम्हारी टीम है जो सेल्स करेगी उसको मैं इंसेंटिव नहीं करता कि मैं इतना इंसेंटिव देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं शेयर दूंगा।
कंपनी ने बोला कि मेरी जो भी सेल्स से प्रॉफिट होगी उस प्रॉफिट का 5% हम अपने सेल्स ऑफिसर को दे देंगे। कंपनी ऐसा करती है, 5% सेल दे देंगे। तो कंपनी का रेवेन्यू था मान लीजिए 50 लाख, तो कंपनी को 50 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कहीं कहीं 17,000, 20,000, 10 लाख, तो 50 लाख का 5% कितना हुआ? 2.5 लाख हुआ। अब इस 2.5 लाख रुपए ने बोला कि 2.5 लाख रुपया हमको बांटना है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास टोटल टीम मेंबर कितने हैं, टीम मेंबर 120 है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई 120 कर देंगे और 2,080 रुपए सबको दे देंगे। ये सही रहेगा सौरभ जी? नहीं सर, परसेंटेज के रेशियो में शेयर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसमें देख रहे हैं किसी ने कम सेल किया, किसी ने ज्यादा सेल किया है, और किसी ने 16 किया, किसी ने 60 किया है, दोनों की एक ही एसएमपी मिलेगी तो लोग क्यों एफर्ट लगाएगा। तो कंपनी बोला है कि इस 2.5 लाख रुपए को हम उसके परसेंटेज के हिसाब से देंगे। सो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इनका कंट्रीब्यूशन कि टोटल सेल हमारा 2739 है, उसमें 15 इसने किया है, अप्रैल में किया है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब कि 15 डिवाइड बाय। सर जो मैंने मेल किया था उसमें जो मीटिंग आईडी है वही आईडी है, लास्ट जो नंबर है 9 डिजिट का लिंक का। तो यहाँ पे हमने 2500 इस तरह से जो डिवाइड करेंगे और जो परसेंटेज आएगा वो हमारा परसेंटेज हुआ, और यही परसेंटेज हम 2.5 लाख का निकालेंगे और फिर उसको इंसेंटिव मिलेगा। तो एक परसेंटेज निकालना, तो मैनुअली तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ना मैनुअली ना निकले, हम चाहते हैं कि यहां पे निकालना चाहिए टोटल सेल्स। ठीक है, तो यहां पे हम आएंगे। अब यहां पे क्या है कि यहां पे क्या बोलते हैं, सेल्स को एक बार और रख दिया। अब एक ही ध्यान दीजिए यहां पे कि आप फिल्टर हो, कॉलन हो, रो हो या वैल्यू हो, इस पे आप एक फिल्टर को एक बार ही रख सकते हैं, लेकिन वैल्यू के अंदर में एक फिल्टर को कई बार रख सकते हैं। यहां पे मैं इसका कंट्रीब्यूशन के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए कहां गया, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे, यहां इस पे क्लिक किया और हमने गया वैल्यू फील्ड सेटिंग। अब वैल्यू फील्ड सेटिंग में डालने के बाद यहां हमारे पास 100 वैल्यू एज दिखेगा, इसी में हमारा सारा कंप्लीट। यहाँ पे हमने बोला परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, क्योंकि ये हमारा कॉलम है तो कॉलम टोटल हमने बोल दिया एंड ओके। तो जिसकी कॉलम की टोटल है उस टोटल से इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने, राइट? यहाँ पे इसका दे दिया गया। अब इसमें और क्या क्या है, इसमें परसेंटेज ऑफ द ग्रांड टोटल है, परसेंटेज ऑफ द रो टोटल है। ग्रांड टोटल, रो टोटल, तीन चीज है ना, ग्रांड टोटल, रो टोटल एंड कॉलम टोटल। तो कॉलम समझ गए, रो टोटल ग्रांड टोटल क्या होता है, चलिए इसको समझाते हैं आपको। इसके लिए हमें डेटा को हटाना पड़ेगा, टीम मेंबर में यहां से हटा देता हूँ और मैं यहाँ से रीजन को रखता हूँ और मैं यहाँ सेल्स को भी हटा देता हूँ, यहाँ से सेल्स टू को हटा देता हूँ। ये आपका कॉलम टोटल हो गया, ये आपका रो टोटल हो गया, और लास्ट में टोटल है ये ग्रांड टोटल। तो आप चाहते हैं ग्रांड टोटल सबको कंट्रीब्यूशन किया दिया चाहिए, तो आप परसेंटेज ऑफ फील्ड सेटिंग पे जाएं, 100 वैल्यू वाइज पे जाएं और परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल ओके करें, आपका जाए। एक मिनट सर, एक कॉल आ रहा है। हेलो सौरभ जी। जी सर,
चलिए, तो ये आपको ग्राम में समझ में आ गया। जी अब इस तरह से परसेंटेज ऑफ रोड टोटल है, तो जो यहाँ पे जो टोटल दिख रहा था इससे सबको डिवाइड कर देगा हमारा परसेंटेज ऑफ रोड टोटल। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। नो कैलकुलेशन मतलब कि कोई कैलकुलेशन नहीं। अब इसमें बारी आती है परसेंटेज ऑफ, जैसे कि मान लीजिए कि हम इसको यहाँ तीन बढ़ा देते हैं, तो मेरा टोटल है यहाँ, मैं चाहता हूँ हवाई, मान लीजिए कि हवाई नहीं, मैं अपने सीट में टारगेट ऐड कर देता हूँ। अभी नीचे हर टीम के लिए टारगेट दिया गया है। और सर जी पूछिए क्या क्यूरी है। सर अभी जैसे आपने इसमें दिखाया कि जो ग्रांड टोटल है वो हमारा परसेंटेज में शो कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि सर जो ग्रांड टोटल है उसमें वैल्यू भी शो करे और एक अलग कॉलम में परसेंटेज भी शो करे। तो दो रख दीजिए वहां पे, नहीं दो ग्रैंड टोटल के कॉलम कैसे आएंगे वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रोडक्ट को उठाया मैंने यहाँ पे रखा और सेल्स को हम यहाँ दो बार रखेंगे जी ना, एक ग्रैंड टोटल यहाँ दिखा, एक ग्रैंड टोटल यहाँ दिखा। अब सेल्स टू वो मैं मान लीजिए कि परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कर देता, नहीं सर मैं चाहता हूँ सिर्फ जो ग्रैंड टोटल है मेरा, ग्रैंड टोटल मेरा वैल्यू और परसेंटेज में शो होगा। वो तो रहा सर, तो यहाँ पर 2739 और यहाँ पे इसमें सर आपका सम ऑफ सेल्स टू एंड सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स भी आपका सर परसेंटेज में शो कर रहा है और वैल्यू में शो कर रहा है। हाँ सिर्फ दो बार रखना पड़ेगा ना सर, ग्रैंड टोटल इसका टोटल करेगा ना। हम एक एडिशनल कॉलम नहीं जनरेट कर सकते, आपको फिल रखना पड़ेगा हर एक कॉलम का, एडिशनल कॉलम जनरेट होगा फिर टारगेट हम करते 1500 सेल्स होने चाहिए, राइट सर। अब डेटा में हम इसको ऐड करना चाहते हैं, बट पिवट पे रिफ्रेश करने से टारगेट हमारा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि डेटा को हमने रिफ्रेश किया है, तो रिफ्रेश क्या होता है, अपडेट को, जो भी हमारा डेटा में अपडेट होता है उसको चेंज करता है, नई डेटा ऐड होती है उसको चेंज नहीं करता है। तो उसके लिए हमें पिवट को रिफ्रेश रिसेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं यहाँ एनालाइज में, चेंज डेटा सोर्स में, और पिवट को वापस हम रीसेलेक्ट कर देते हैं, राइट सर। एंड अब देखिए टारगेट आ गया, मैं यहां से प्रोडक्ट हटा देता हूं। अब मैं इस टारगेट से सबको डिवाइड करना चाहता हूं ताकि मुझे पता चले कितना परसेंट अचीव हुआ है टारगेट। तो 100 वैल्यू एज में गए और परसेंटेज ऑफ पे क्लिक, और यहाँ नीचे देखिए टारगेट दिखेगा, टारगेट को सिलेक्ट किया, तो टारगेट से बाकी सारा हमारा डिवाइड हो जाएगा। फिर वापस अगर हम 100 वैल्यूज पे आते हैं तो इसमें और भी है ट्रेंड रो, ये सब चीजें जो एक बार देख लीजिएगा, जो चीज आपके दिक्कत होगा जैसे डिफरेंस
मुझे डिफरेंस चाहिए कितना परसेंट रह गया है, तो डिफरेंस फ्रॉम टारगेट कर सकते हो, रनिंग टोटल परसेंटेज, क्यूमुलेटिव टोटल निकाल सकते हो। ठीक है, इसको आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो समझ में नहीं आएगा वो हम आपको बता देंगे। ठीक है सर, अभी हेलो जी, ठीक है सर। अब चलिए हम अब बात करते हैं फील्ड टोटल की। अब इसमें अगला आता है, जैसे कि यहाँ पे सेल्स हमारा इतना है, राइट, सेल्स इतना है और रेवेन्यू हमारा इतना है, रेवेन्यू। तो मान लीजिए मैं रेवेन्यू को कॉलम को कर देता हूँ एम आर, मतलब कि 22 प्रोडक्ट सेल हुआ है 748 रुपए के हिसाब से, तो टोटल कितना सेल जनरेट हुआ। सो आई वांट टू मल्टीप्लाई सेल्स एंड एमआरपी पीवट के अंदर। तो चलिए इससे हम पीवट पहले लगाते हैं एक नया, और हमने टीम को यहां रखा, और टीम को रखने के बाद हमने यहां पे सेल्स को रखा, और फिर हम यहां पे एमआरपी को रखते हैं। रेवेन्यू है, हमारा एमआरपी है, एक बार रिफ्रेश करता हूं तो सही हो जाएगा। एमआरपी को यहां रखा, अब मुझे तीसरा चाहिए मल्टीप्लाई बिटवीन एमआरपी एंड सेल्स। तो उसके लिए हम यहां पे जाएंगे एनालाइज के अंदर, वैल्यू फील्ड सेटिंग में कैलकुलेटेड फील्ड पे ओके करता हूं। यहां पे मैं करता हूं टोटल या फिर अमाउंट अमाउंट, और यहां पे हम अपने फील्ड्स को रखते हैं अपने मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ, जैसे कि सेल्स इंसर्ट किया मल्टीप्लाई, हमने इसको ऐड किया एड ऑफ, ये हमारा टोटल आ गया। अब इससे मुझे 18% का जीएसटी भी निकालना है, सम ऑफ अमाउंट जो है अमाउंट का। तो मैं यहाँ पे वापस फील्ड सेटिंग पे आऊंगा, कैलकुलेटेड फील्ड पे आऊंगा, मैं यहाँ पे जीएसटी किया, और यहाँ पे अब जो हमने अमाउंट क्रिएट किया था फील्ड मुझे यहाँ दिखेगा। तो इसको ये आप हम रीयूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 18, हमारा यहाँ ऐड करूंगा, यह हमारा 18% का जीएसटी मिल गया। अब बात आती है क्या इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करता हूँ या एक्सेल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जरूर आप एक्सेल फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये फिगर दिख रहा है, मुझे इसको इंटीजर में चाहिए इंट, मतलब इसका डेसिमल रिमूव करना है, मुझे इसको इंट फॉर्मूले के अंदर रखना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे एनालाइज के अंदर, वैल्यू फील्ड सेटिंग में कैलकुलेटेड फील्ड, और यहां पे हम कर देते हैं राउंड जीएसटी, और यहां पे इक्वल इंट फॉर्मूले के अंदर लगाया, और इंट फॉर्मूले में हमने जीएसटी को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दिया और इसको ऐड किया एंड ओके। आ गया सर। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है, क्या इसमें इस तरह के सिंपल कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे, कौन सा फॉर्मूला, चलिए हम एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। मैं यहां पे अपने टीम मेंबर्स और अपने सेल्स को याद करता हूं, अब मुझे यहां पे इंसेंटिव देना है, और इंसेंटिव का सिलेक्ट करता है कि 0 to 20 है तो 2000 रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा, 21 to 50 है तो यहाँ पे 4000 रुपये दिया जाएगा, और ग्रेटर देन 50 है तो उसको 6000 रुपये दिया जाएगा, राइट। अब मुझे यहाँ पे नया कॉलम जनरेट करना है जीएसटी के, तो यहाँ पे इंसेंटिव के लिए कॉलम बना दिया, तो यहाँ पे इफ का फॉर्मूला देते हैं कि इफ, और हम सेल्स को सिलेक्ट करते हैं सेल्स, और कंडीशन देते हैं कि लेस देन इक्वल टू, अगर ये 20 है तो यहाँ पे 2000, फिर यहाँ पे एक और इफ लगता है इफ,
और हम वापस सेल्स को देते हैं और बोलते हैं अगर लेस देन इक्वल टू 50 है तो 4000, अदरवाइज 6000। दो इंच लगा है तो दो बार क्लोज करेंगे एंड इसको ऐड करेंगे एंड ओके करेंगे, यहाँ इसके इंसेंटिव आ गए। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है सर। तो मुझे लगता है कि एक क्लास में इतना काफी है प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को, तो प्लीज आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, फिर अगली क्लास में इससे आगे की चीज बताऊंगा सर, ताकि सर के ऊपर से ना निकले। क्या धवल जी, सौरभ जी? जी ठीक है सर, ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम और कल हम इससे आगे की टॉपिक को कंडक्ट करेंगे। ठीक सर, ओके बाय। ओके थैंक्स।